की तरह ज़िला जेलम में भी कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी जोश जज्बे से मनाई जा रही हैं, और इस हवाले से हम आवाम की राय जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। मैं जेलम में रहने वाला हूँ, पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। और इसी तरह मैं कौम को, अपनी आवाम को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि जिस तरह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 नकात जो पेश किए, हमें चाहिए कि उन पर अमल करें ताकि हम तरक्की की तरफ गामजन हो सकें। कायद आज़म की बरसी के मौके पर अब मैं अपनी कौम से यही कहना चाहता हूँ कि जो कायद आज़म ने और अल्लामा इकबाल ने हमारे मुल्क के लिए नज़रियात सोचे थे, उनकी सोच थी, हम उस पर अमल पैरा हों और अपने मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन कर सकें, अच्छी सोच पैदा करें, अच्छे अखलाक पैदा करें और एक अच्छी कौम जो जिस तरह दूसरे मुल्क जो है तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनकी हम कॉपी करके उनसे, वो हमें तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉपी करनी चाहिए, ठीक है, उनके ज़ाबता अखलाक पे अमल पैरा होके हम अपने मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन कर सकें। आज 11 सितंबर है, कायद आज़म की वफात का दिन है। मैं आज कायद आज़म की बरसी के मौके पर आवाम को पैगाम देता हूँ, पाकिस्तानियों को पैगाम देता हूँ बिलखसूस कि कायद आज़म ने जो हमारे लिए कोशिश की, हमारे मुल्क को आज़ाद कराया, आज हम आज़ादाना माहौल में रह रहे हैं। जी, पाकिस्तान के अजीम शख्सियत कायद आज़म मोहम्मद अली के असूलों पर चल कर हम तरक्की की राह पर गामजन हो सकते हैं। कैमरामैन अब्दुल्ला जट के साथ मिर्जा अब्दुल जब्बार, जेलम न्यूज़, डॉट नेट, जेलम।